हेलो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा बेटा? एक सस्पेंशन ब्रिज है बेटा, ठीक है। जैसे आपने हरिद्वार में देखे होंगे गंगा नदी पे, या फिर जो बड़ी बड़ी नदियों पे होते हैं सस्पेंशन ब्रिज, उस तरह का ब्रिज है, ठीक है बेटा। और सस्पेंशन ब्रिज की जो लेंथ है बेटा वो 100 मीटर है। एक बार इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये सस्पेंशन, ये नदी है बेटा, नदी के ऊपर ब्रिज है ऐसे, ठीक है। और इस ब्रिज को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। ये वायर्स इसको जो होंगी ये सपोर्ट करेंगी, ये वाली वायर्स इसको सपोर्ट करेंगी बेटा। ये ऐसे 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 सपोर्ट होगा ऐसे, ठीक है। और जो ये सपोर्टिंग वाली वायर है ये पैराबोलिक नेचर है, यानी पैराबोलिक है ये, ठीक है बेटा। हमें क्या दे रखा बेटा? ब्रिज की जो लेंथ है, पूरी लेंथ है, ये 100 मीटर है। यानी बेटा एक से, अगर ये मिडल है यानी मिड पॉइंट है, तो वहां से हमें इधर की साइड हो गया 50 मीटर और इधर की साइड भी हो गया 50 मीटर, ठीक है बेटा। और हमें जो लॉन्गेस्ट वायर है जो इसको सपोर्ट कर रही है बेटा, सबसे लंबी जो वायर है, लॉन्गेस्ट वायर, वो 30 मीटर दे रखी है बेटा। ये जो लेंथ है बेटा ये 30 मीटर, लॉन्गेस्ट वायर की 30 मीटर दे रखी है, ठीक है बेटा। और जो शॉर्टेस्ट वायर है उसकी लेंथ दे रखी है बेटा 6 मीटर। ये 6 मीटर जो मिड में होगी ना, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वायर की दे रखी है बेटा, ठीक है। अब हम इसको, अब हमें क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मिड पॉइंट से 18 मीटर इधर, इधर कहीं 18 मीटर हो गए बेटा, 18 मीटर यहां पे जो ये इसकी सपोर्टिंग वायर है, सपोर्टिंग वायर जो होगी उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये जो ये वाला है बेटा, ये जो ये कर्व है यानी जो पैराबोलिक कर्व है, इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस वाला हो गया, ठीक है बेटा। अब ये और इसको मैंने ओरिजिन माना है बेटा, ये जीरो जीरो ये ओरिजिन माना है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, पहले तो मैं इसकी इक्वेशन निकालू, ठीक है। इसकी एक जनरल इक्वेशन होगी बेटा, वो होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ए की वैल्यू निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट देखते हैं बेटा, जैसे ये कोऑर्डिनेट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इस वाले सिस्टम में, ये कोऑर्डिनेट जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, यहां से यहां तक की दूरी तो 50 मीटर है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 50 हो जाएगा, ठीक है। वाई वाला देखो बेटा, वाई वाला हमें कहां से नापना है? यहां से ऊपर तक नापना है, ठीक है। और यहां से ऊपर तक, ये नीचे से ऊपर तक तो 30 है और यहां तक 6 है, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा, 24। यानी यहां से, यानी ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास 24 होगी बेटा, 24 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास 50 और 24 आ गया, ठीक है बेटा। यहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वाई कितना दे रखा है? 24 बेटा, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, दैट इज 50 का स्क्वायर अपॉन 4 × 24। कैलकुलेशन हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब हमें वो क्या कह रहा है बेटा, हमें मिड पॉइंट से 18 मीटर दूर, हमें मिड पॉइंट से 18 मीटर दूर हमें ये जो सपोर्टिंग वायर है उसकी लेंथ पता करनी है। तो ये लेंथ क्या होगी बेटा? देखो ये लेंथ होगी, एक तो ये वाली लेंथ जो कि 6 मीटर है, ये तो 6 मीटर है बेटा, और साथ में ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली लेंथ, ठीक है। और ये वाली लेंथ हमें दे रखी है बेटा 18 मीटर, ये यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका दे रखा है इस वाले पॉइंट का, और इसका, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई बोल देंगे बेटा, y1, ठीक है। अब ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर बोले तो 18 का स्क्वायर इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 50 × 50, 4 × 24, ठीक है। और y1 की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, ठीक है। अब ये बेटा 4 से 4 कट गया,
और वाई वन की वैल्यू आ गई बेटा 18 इंटू 18 इंटू 24, 50 इंटू 50, ठीक है बेटा, ये आ गया। ठीक है, यानी मेरे पास जो ये वाली लेंथ है बेटा, इतनी सी लेंथ जो है, ये जो जो ये वाली लेंथ है बेटा, ये वाली ब्लू से मार कर देते हैं, ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली लेंथ की वैल्यू आ गई बेटा, वो वाई वन है बेटा। ठीक है, अब हमें जो टोटल लेंथ होगी बेटा, यानी जो टोटल लेंथ है, जो वायर की 18 मीटर फ्रॉम द मिडल है, जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी बेटा, मिडल से जो हमारी टोटल लेंथ है बेटा, वो आ जाएगी हमारे पास, यानी जो टोटल लेंथ है उस वायर की, वो हो जाएगी बेटा वाई वन प्लस 6 मीटर, 6 आप और ऐड कर दोगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके ये आता है बेटा, इसको आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं, 777 6 ये आ रहा है बेटा। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं बेटा 2500 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया बेटा 3.11। ठीक है, जो ये कैलकुलेशन आई है हमारे पास, वो ये आई है बेटा। ठीक है ना, और जो हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगी बेटा, अब इसमें वाई वन की वैल्यू 3.11 प्लस 6, यानी जो अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारे पास, वो 9.11 मीटर हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्लियर है।